आखिरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे वो सच साबित हो गया, वो विंडिकेट हो गए। राहुल गांधी स्वयं मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे, ऐसा वीडियो अब सामने आ चुका है और सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल है, जिसमें राहुल गांधी आंबेडकर जी की सोच के खिलाफ जाकर, संविधान की सोच के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक आधार पर आरक्षण देती है, जब कांग्रेस पार्टी एससी एसटी ओबीसी के कोटे से काट कर मुस्लिमों को आरक्षण देती है, तब कई सारे लोगों ने सवाल उठाए, कहा कहां है सबूत। अब सबूत आपके सामने है, न केवल राहुल गांधी का मैनिफेस्टेशन है, बल्कि कर्नाटका में जब इनकी सरकार थी तब भी इन्होंने धार्मिक आधार पर आरक्षण देते हुए ओबीसी के कोटे से काट कर वोट बैंक को दे दिया। इन्होंने आंध्र में दिया, इन्होंने तेलंगाना में यही चेष्टा की, रंगनाथ मिश्रा कमेटी में यही, रिपोर्ट में यही लिखा, और केंद्र में भी ऐसा कानून लाना चाहते थे। सलमान खुर्शीद ने कहा 27% में से 9% काट कर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा ओबीसी कोटे में से। एएमयू में भी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म इन्होंने ही किया। तो इसका मतलब साफ है कि असलियत में कांग्रेस ही है जो संविधान की आत्मा और शरीर के साथ खिलवाड़ करती है, अन्यथा कांग्रेस लिख कर दे कि वो मुस्लिम आधार पर मुस्लिम आरक्षण नहीं देगी और एससी एसटी ओबीसी से जो आरक्षण काट कर मुस्लिमों को दिया है वो गलत है। कहने की हिम्मत नहीं है उनकी। अब राहुल गांधी के इस वीडियो पर कांग्रेस पार्टी और उनकी जमात, उनकी इकोसिस्टम, इस पर जवाब दे।